गाइस, आज मैंने देखी आदि पुरुष, अरे नहीं नहीं अवेंजर्स, अरे नहीं नहीं बैटमैन, मतलब कुछ भी था बस रामायण है। मतलब क्या ही बोलूं यार, सिर्फ गाली निकल रहा है। अरे इस मूवी को मैं रेटिंग दूं? नहीं नहीं कुछ नहीं दूंगा, बहुत लूटा है इन सालों ने, सालों रिफंड करो भोजरिया। क्या मूवी बनाया है। वैसे मैं सोच कर गया था कि इनका VFX तो छोटा भीम से भी खराब होगा, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे चौंका ही दिया। बुरे होने की लिस्ट में VFX तो सबसे नीचे है, क्योंकि सबसे ऊपर इसमें जो सबसे अच्छा होना चाहिए था, जो कि है स्टोरी, वही है। साला मुझे डाउट में लगा कि ये रामायण कुछ अलग ही है। साला ऐसा लगा कि मैं आज तक कुछ अलग ही सुनता आ रहा था। और दूसरे नंबर पे इसके डायलॉग्स, माँ की आंखें क्या डायलॉग्स है, ऐसा लगा कि किसने गांजा फूंक के लिखा है। और डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं, हनुमान जी लंका दहन के टाइम, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरी बाप की तो जलेगी भी तेरी बाप की। रावण के डायलॉग सुनो अब, तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चलाया। और जब इसके बारे में इनके राइटर श्री श्री मनोज मुंतशिर को पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि ये सब तो मैं अपनी दादी और नानी से सुनता आ रहा हूँ। मतलब वाह भाई वाह, इनके दादी और नानी को कोई रामायण की किताब गिफ्ट में दो। और तीसरा इनके कॉस्ट्यूम्स, साला इसको जिसने बनाया था वो कुछ अलग ही सस्ता नशा करा हुआ लगता है। भगवान राम जी का अवतार देखो, ये राम जी है या जीसस। और रावण को देखो, ये तो मुगल का बादशाह लग रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक तो रावण के फैमिली वाले लग रहे थे। मेघनाथ को देखो, पूरा बॉडी पे टाटू बना के रखा हुआ था, ये चल क्या रहा है, मजाक बना के रख दिया पूरा। और अब आ रहे हैं जो कि सबको पता था कि घटिया ही है, VFX। साला छोटा भीम का VFX भी इसके सामने मास्टरपीस लगेगा। और सबसे घटिया क्या है पता है, सबसे क्रिएटिविटी क्या है पता है, रावण के डबल डेकर वाले ये सिर, क्या है ये बहचो। रावण ऊपर से देख के साला तुम लोगों को ऊपर खींच लगा बे। और सालों सोने की लंका को क्या कोयले की खदान बनाया है, साला सेकंड हाफ कुछ दिख ही नहीं रहा। और वो चमगादड़ जो टीजर में देखा था, पूरे फिल्म में वही है, बल्कि उसके भाई बहन भी है। रावण भी चमगादड़ बन जाता है, साला रावण को भी बैटमैन बना दिया। भाई लोग सच में अगर तुम में थोड़ी शर्म बाकी हो तो इस फिल्म को बॉयकॉट करो, बहनचोद क्या मूवी है। इससे घटिया अडॉप्टेशन, अरे अडॉप्टेशन छोड़ो, ओम राव कहां से सुन के ये मूवी बनाया है। और जिस जिसने इस मूवी को अप्रूवल दिया है वो क्या गांजा भूखे हुए थे, ये तो साफ ही दिख रहा है। ये मूवी बिल्कुल भी रामायण नहीं है, इसको अपने बच्चों को मत दिखाओ। अभी बस मेरा भी VP ऊपर जा रहा है, चलता हूँ भाई लोग। अरे रुको रुको, वो टीजर के टाइम पे वो ओम राव कुछ बोला था ना, बड़े पर्दे के लिए बना है, 3D में देखो। साले मैं इसको बड़े पर्दे पे और 3D पे दोनों में देखा हूँ, कुछ घंटा फर्क नहीं लगा, चल भाग।